अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला केकड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में रिजू झुनझुनवाला ने कहा कि वे जन सेवा के उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए हैं। उन्होंने अजमेर में औद्योगिक इकाइयों की आपको बता दें कि उन्होंने अजमेर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बीना काक सहित कई नेता मौजूद रहे। आज युवा के लिए सबसे ज्यादा 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर हम युवा को नौकरी दे सके और जिस जिले से युवा आता है वहीं पे रह जाए, इससे बड़े उसके लिए सम्मान की बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे से जो कुछ हो सकेगा अगले 5 साल में अजमेर के लिए मैं करूंगा। इंडस्ट्री को यहाँ पे लाएंगे। और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।